आज नगर निगम फिरोजाबाद के वार्ड नंबर 20 के अंतर्गत सुदामा नगर में मरघटी से दयाल रेडीमेड तक हॉट मिक्स, कैटाइड और थर्मोप्लास्टिक द्वारा सड़क सुधार कार्य का शुभारंभ नगर निगम की मेयर नूतन राठौर द्वारा नारियल फोड़कर किया गया। महापौर नूतन राठौर ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नगर निगम द्वारा 21,74,000 रुपए की धनराशि से इस कार्य को पूरा किया जाएगा। साथ ही वार्ड नंबर 24 और 34 के अंतर्गत आने वाले महादेव नगर के नाले पर पैरावेट वॉल के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ महापौर नूतन राठौर द्वारा किया गया और बताया गया कि इस निर्माण कार्य में लगभग 9 लाख रुपयों की धनराशि द्वारा इस कार्य को संपूर्ण कराया जाएगा। देखिए, ये नगर निगम के द्वारा वार्ड नंबर 20 में मरघटी के सामने जो सुदामा नगर की मुख्य मार्ग है, मरघटी से लेकर जो एंड छोर है इसका रेडीमेड की दुकान तक, तो वहाँ तक इस रोड पर डाबर से निर्माण कार्य कराया जा रहा है और प्लांट आ चुका है, कार्य शुरू करा चुके हैं। आज इस कार्य का शिलान्यास सब यहाँ के क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में, माननीय पार्षदगण, कार्यकर्ता बंधुओं की उपस्थिति में कराया गया है। काफ़ी समय से यहाँ पर मांग रही है यहाँ की जनता की, क्योंकि सड़क, जैसा कि आप भी देख रहे हैं, काफ़ी क्षतिग्रस्त है, जगह जगह गड्ढे हैं, टूटा हुआ है पूरा मार्ग, तो इसकी सौंदर्यीकरण के लिए इस कार्य का आज शुभारंभ किया गया है। मुझे लगता है जब ये सड़क पूरा बनके तैयार हो जाएगी तो यहाँ के लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। मैम, तकरीबन कितने बजट में ये सड़क? इस कार्य की कुल लागत लगभग 21 लाख रुपए है। दिन जब बरसात में यहाँ पर जो समस्या होती है, नाला जब ओवरफ्लो होता है तो पैरापिट की जो दीवारें हैं उसके बीच में से होकर पानी बस्तियों में भर जाता है, तो उसको रोकने के लिए पहले भी काम कर चुके हैं पैरापिट दीवार के बीच में जो स्पेस रहता है उसको बंद कराने का, और आज भी यहाँ पर लगभग 9 लाख रुपए की लागत से इस जो बचा हुआ कार्य है उस कार्य का शुभारंभ किया गया है। और बरसात के समय किस तरह से हम यहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं वो जल भराव की जो मुसीबत है उसका सामना ना करना पड़े उनको, तो उसी के तहत आज इस कार्य का हमने शुभारंभ किया है।